अज़ीज़ तलबा असलकुम मैट्रिक सतह के कोर्स फर्स्ट एड के सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है इसे आपकी पहली किताब के यूनट चार पाँच और छः से तरतीब दिया गया है इस प्रोग्राम में जो मौजूद जेर बहस लाए जाएंगे उन्हें आप नोट कर लें मौजू हैं जलना और झुलसना कीमियाई हरारत से जलना दूसरे लफ्जों में इसे आप केमिकल बर्न का नाम भी दे सकते हैं गर्मी और लू के असरा जख्म और घाव और जहरीले जानवरों के काटने से पैदा होने वाले असरा और इलाज ये तमाम मौजू ऐसे हैं जिनका हमारी रोज़मर ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है लिहाजा ना सिर्फ़ ख़वात बल्कि घर के हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि वो इस किस्म के वाकयात को जाने ताकि ऐसी सूरत हाल के लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखे जलने की कई सूरतें हो सकती हैं इस किस्म के वाकयात रोजमर्रा का मामूल हैं चाहे कस्बों में हो या शहर के आरास्ता पास्ता घर में बिजली के ज़रिए चूल्हे पर रखी किसी चीज़ के गिरने या चूल्हे के फटने से बहरहाल नुकसान हर सूरत में होता है और इससे बचना ज़रूरी है और ऐसे मौक़ों पर होश कायम रखना और भी अहम है जलने से इंसानी जल्द पर जो असरात होते हैं और ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए ये जानने के लिए आइए डॉक्टर की माहराना राय मालूम करते हैं जलने से हमारी मुराद जिसम के मुख्तों पर शदीद हरारत की अचानक मुंतकली है शदीद हरारत से जिसम के मुख्तिफ़ हिस्सों पर जो असरात मरतब होते हैं और जो ज़ख़्म होते हैं उन्हें बर्न्स कहते हैं बेशतर ऐसे हादसा घरों में होते हैं जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे मुतासर होते हैं नबे फ़ीसद हादसा में बद एहतियाती गफलत या लाइलि कौंसर शामिल होता है और इनका बचाव मुमकिन है और इनका इलाज तकलीफ़ दे, तवील और महंगा है हरारत की मुख्तलिफ किस्में हैं मसलन खुश हरारत जैसे आग के शोलों से या किसी गर्म शय से जलना जैसे बौज खाने में काम काज के दौरान ज़रा सी बद एहतियाती की जाए किसी गर्म तवे से हाथ जल जाए या घरेलू काम काज के दौरान गर्म इस्त्री से हाथ जल जाए जलने की एक और सूरत यह होती है कि एक औरत बज खाने में जाकर चूल्हा जलाने की कोशिश करे चूल्हे का नाब पहले ऑन कर दिया जाए और उससे गैस ख़ारिज होने लगे उसके बाद दिया सलाई जलाई जाए जो पहली या दूसरी कोशिश में ना जले और फिर तीसरी या कोशिश चौथी कोशिश में जब दिया सलाई जले तो उस वक्त तक खासी मकदार में गैस चूल्हे से ख़ारिज हो चुकी हो जो अचानक भड़क कर औरत के कपड़ों को अपनी लपेट में ले ले जिससे वो बुरी तरह जल सकती है हरारत की दीगर कस्बों में नम हरारत है जैसे खोलता या गर्म पानी या कोई और माया जैसे दूध या तेल या घी वगैरह और ऐसे बर्तनों को जिनमें ये गर्म माया हो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है सामने से कोई आदमी ना आ जाए या कोई रुकावट ना हो या बच्चा बाजा आ जाए तो ले जाने वाला आदमी या सामने से आने वाला आदमी दोनों जल सकते हैं ये जिल्द का एक मॉडल है जिसको हमने बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है जल्द दर हकीक़त बेशुमार छोटे छोटे खलीयों या सेल्स की मुख्तलफ तहों पर मुश्तम है ये सेल्स मख्तलफ लेर्स में तरतीब दिए गए हैं ये एक बाल की जड़ है और ये एक बाल आपको नज़र आ रहा है ये जल्द की ऊपरी तह है पहली किस्म के या पहले दर्जे के या फर्स्ट डिग्री बर्न्स में जल्द की सिर्फ़ ऊपरी तह को नुकसान पहुंचता है दूसरे दर्जे के बर्न्स में जल्द की ज़्यादा तहें मुता होती हैं और ज़्यादा सेल्स डैमेज हो जाते हैं सिर्फ थोड़े से जल्द के सेल्स बरकरार रहते हैं तीसरी कस्म के या थर्ड डिग्री बर्न्स में जल्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है नीचे से चर्बी निकल आती है या बाज़ हालात में गोश्त भी नंगा हो जाता है पहली कस्म के या फस्ट डिग्री बर्ंडस में मुतासरा हिस्सा सर्ख हो जाता है उसमें दर्द होता है जलन होती है मुनासिब इलाज से ऐसे बर्ंडस मकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं और कोई निशान भी बाकी नहीं रहता दूसरे दर्जे के बर्ड्स में या सेकेंड डिग्री बर्ंडस में मुतासरा हिस्सा सूज जाता है बाज़ात छाले पड़ जाते हैं ऐसे बर्न्स का मुनासिब और बरवक़्त इलाज किया जाए तो जल्द दोबारा बहाल हो जाती है जख्म मुंदमल हो जाते हैं लेकिन निशान बाकी रह जाता है तीसरे दर्जे के बर्न्स में या थर्ड डिग्री बर्न्स में जहाँ जल्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है जल्द दोबारा बहाल नहीं हो सकती और आम तौर पर हमें जिसम के किसी दूसरे हिस्से से जल्द की एक पतली सी तह काट कर जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं मुतासरा हिस्से पर लगानी पड़ती है ये मुतासरा हिस्सा बाद में सकड़ कर एक ख़राब निशान की सूरत अख्तियार कर लेता है इस चार्ट पर नौ का उसूल या रूल ऑफ नाइन समझाया गया है इस उसूल की रूह से किसी मरीज़ के जिस्म का सर और गर्दन उसके मुकम्मल जिस्म का नौ फ़ीसद है जबकि सीना और पेट अट्ठारह फ़ीसद एक हाथ नौ फ़ीसद दूसरा हाथ नौ फ़ीसद एक टांग अट्ठारह फ़ीसद दूसरी टांग अट्ठारह फीसद और पुश्त अठारह फ़ीसद है जिसम का थोड़ा हिस्सा जलने की सूरत में हम इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हाथ जिसकी उंगलियां बंद हों मुकम्मल जिसम का एक फ़ीसद होता है इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे जिसम पर कितने फ़ीसद बर्नस हैं जलने और झुलस जाने की कैफ़ियत डॉक्टर साहब की गुफ्तु से हम पर वाजे हो गई झुलस जाने की सूरत में जिसम के मुतासर होने वाले हिस्से पर पहने कपड़े फ़ौर अलग कर दें क्योंकि गर्म पानी से भीगे हुए कपड़ों में हरारत काफ़ी देर तक रहती है जिससे मज़ीद नुकसान होने का ख़तरा रहता है कपड़ों के उतारने से ज़ख्मी को सुकून मिलेगा इसी तरह ठोस मादे की पहनी हुई तंग चीज़ मसलन अंगूठी घड़ी और ख़वान की चूड़ियाँ जिस कदर जल्द हो सके उतार दें क्योंकि झुलस जाने की सूरत में जिस्म का वो हिस्सा सूज भी सकता है अगर ऐसी चीज़ें उतारी ना जाएं तो बाद में मरीज़ की तकलीफ़ में इजाफे का सबब बनेंगे इसी तरह गहरी सतह तक जलने की सूरत में जख्म को किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से ढाँप दें ताकि मक्खियों और गर्द वबार से ज़ख़म मज़ीद ख़राब ना होने पाए ज़ख़म से रिसने वाली रतूबत से ख़राब होने वाले कपड़े को बदल दें और जिस कदर जल्द मुमकिन हो मरीज़ को मज़ीद इलाज के लिए तिब्बी मरकज़ तक पहुँचाने का बंदोबस्त करें जिस तरह खुश्क और नम हरारत से हाथ से रोजमर्रा का मामूल हैं इसी तरह फैक्ट्रियों और लिबार्ट्रीयों में काम करने वाले ख़वान हजरात कीमियाई हरारत से भी हादसे का शिकार हो सकते हैं ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा आइए मालूम करते हैं माहिर फर्स्ट एड से अलकली और इसी किस्म के दूसरे केमिकल्स में तेजाब का तनासब काफ़ी मेदार में पाया जाता है यही नस्बत घरेलू इस्तेमाल की अशिया मसला कास्टिक सोडा और पेंट साफ़ करने वाले मायात में भी पाई जाती है इस्तेमाल के दौरान ये कीमियाई मरकब इंसानी जिसम पर गिर भी सकते हैं जिसकी वजह से मुतासर हिस्सा दर्द करता है जल्द सुर्ख हो जाती है और छाले पड़ जाते हैं बास कीमियाई मरकब ना सिर्फ जहाँ गिरते हैं बल्कि फैल कर दूसरे हिस्सों को भी मुतासर करते हैं अगर ऐसी सूरत हो तो फ़ौरी तौर पर साफ़ पानी में धोते रहें ताकि हरारत में कमी हो अलबत्ता ये एहतियात ज़रूरी है कि जख़म पर पड़ने वाला पानी गटर या नाली के जरिए बाहर चला जाए ताकि दूसरों को मुतासर न कर सके इब्तदाई तबी इमदाद के सिलसिले में सबसे पहले मुतासरा हिस्से पर से कपड़ा हटा दीजिए ताकि सही सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके अगर कीमियाई मरकब आँख में पड़ जाए तो शदीद नुकसान का ख़तरा है बिनाई भी ज़ाया हो सकती है कम नुकसान की सूरत में आँख में शद दर्द होता है आँख रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती आँख से आँसू बहने लगते हैं आँख सुर्ख होकर सूज भी सकती है मज़ीद नुकसान से बचने के लिए आँख को फौरी तौर पर साफ पानी में धोएं, या किसी खुले मुँह वाले बर्तन में मरीज़ का चेहरा डबोकर उसे बार बार आँखें झपकने को कहें अगर ये भी मुमकिन ना हो तो मुतासरा आँख वाले हिस्से को नीचे झुकाकर पलकें ऊपर करके जरासीम से पाक पानी से खूब धोएं। इस मकसद के लिए प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल की जा सकती है इस दौरान गैर मुतासर आंख ढांप रखें जब खूब धो चुके, तो आँख के पपोटे पलट कर देख लें इसके बाद इस आँख पर जरासीम से पाक आई पैड बांध दें और मरीज़ को फ़ौर हस्पताल ले जाएँ तालबात व नाजरें खुश्क और नम हरारत और कीमियाई मरकबात से जलने और झुलसने के वाक़ात के अलावा मौसम गर्मा के दौरान लोग गर्मी और लू से भी मुतासर हो सकते हैं जोग्राफियाई हालात की वजह से हमारे मुल्क का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है जिसके बायस लोग गर्मी और लू से मुतासर हो जाते हैं ऐसे लोगों की अक्सरियत सर्द मकाम से ताल्लुक़ रखती है जो भारी जिस्म रखते हैं यानी कदरे मोटे होते हैं या फिर मज़दूर या किसान भाई जो कई कई घंटे तक सख्त धूप में मेहनत मज़दूरी करते हैं और धूप में पैदल सफ़र करने वाले ऐसे हालात में मरीज़ की हालत और उसे इब्तदाई तब इमदाद पहुँचाने के लिए माहिर फर्स्ट एड की राय मालूम करते हैं गर्मी और लू के असरा बाज़ात तो इतने शदीद होते हैं कि इंसानी जान को ख़तरा पैदा हो जाता है मरीज़ बेहोश हो जाता है जिसम का दर्ज हरारत 104 डिग्री फेरन तक पहुँच जाता है अगर मरीज़ होशोहवास हवास में हो तो भी बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है नब्स की रफ़्तार कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाती है मुँह खुश्क हो जाता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है सख्त बुखार की कैफियत हो जाती है और तशन्ु के दौरे पड़ने लग जाते हैं यह लू की शदीद तरीन और ख़तरनाक शक्ल है ऐसे मरीज़ को फ़ौरी तौर पर तबी इमदाद देनी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए मरीज़ को फ़ौर ठंडी और पुरसकून जगह में लिटा दीजिए अगर मरीज़ ने नायलॉन मिले धागे से तैयार लिबास पहन रखा हो तो फ़ौर उतार दें क्योंकि गर्मी ख़ारिज होने में इस किस्म के कपड़े रुकावट पैदा करते हैं बेहतर होगा अगर मरीज़ को हवा के रुख लटा इस पर मलमल की भीगी चादर डाल दें ठंडे तौलिए से मालिश की जाए तो मरीज़ के दर्ज हरारत में कमी हो सकती है इसे नमक मिला ठंडा पानी या शरबत खूब पिलाएं। दौरान खून को मौसर रखने के लिए तलवों और पिंडलियों को नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें शदीद बुखार और तशन्ज के दौरे पड़ने की सूरत में मरीज़ को फौरी तौर पर हस्पता ले जाना चाहिए मर से निजात हासिल करने के बाद भी काफ़ी दिनों तक मरीज़ को गर्मी और लू से बचा कर रखें गर्मी और लू के असरात असरत और हिफाजती तदाबीर के बाद अब आइए गुफ्तु करते हैं जख्म और घाव के बारे में घरों के अंदर और बाहर ऐसे हादसा होते रहते हैं जिसके नतीजे में छोटे बड़े ज़ख्म आते हैं ज़ख्म और घाव से दो चार सूरत हाल और इसके हिफाजती इकदाम के बारे में माहराना राय पेश की जाती है ज़ख्म जल्द के तसलसल में रुकावट है ये जख्म जल्द या उसके नीचे जिसम के नरम हिस्सों को नुकसान पहुँचने से होते हैं ये नुकसान किसी हादसे या नोकदार या तेज़दार आले से कट जाने की सूरत में होता है ज़ख्मों की कई अकसाम हैं जैसे बंद जख़खम या खुले ज़खम बंद जख्मों में जल्द की सतह बरकरार रहती है और नुकसान जल्द के नीचे नरम हिस्सों को यानी उजलात और बाफ्तों वगैरह को होता है बाज़ थोड़ा सा खून निकल कर नीचे जम जाता है ऐसे ज़ख्मों को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती और ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर खून ज़्यादा मकदार में निकल कर जम जाए तो उसे बाज़ात ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है खुले ज़ख़मों की कई अकसाम हैं बाज़ात ये सिर्फ़ एक ख़राश की सूरत में होते हैं ऐसी सूरत में ज़ख्म को साफ पानी से धोकर उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए अगर जल्द मुकम्मल तौर पर कटी है और नीचे से बाजा चर्बी वग़ैरह भी नज़र आ रही है तो उस पर टाँके लगाने पड़ेंगे और ऐसी सूरत में हस्पता ले जाना मुनासिब है अगर ज़ख्म खुदा न गहरा है और उससे ज़्यादा मकदार में खून ज़ाया हो रहा है तो उस पर कोई कपड़ा रुई वग़ैरह रख कर पट्टी बांध दें ताकि उससे खून ज़ाया ना हो और उसको को उठा कर रखें बाज़ात लोग ज़ख़म से कुछ फ़ासले पर ऊपर कस कर पट्टी बांध देते हैं इस तरह दौरान खून मुकम्मल तौर पर रुक जाने का अंदेशा होता है जिससे उज़ के ज़ाया होने का अंदेशा बढ़ जाता है इस तरह का पट्टी बांधना मुनासिब नहीं है और अगर कोई पट्टी बंधी हुई हो तो उसे खोल देना चाहिए एक और एहतियात जो खुले ज़ख्मों के इलाज के सिलसिले में बेहद ज़रूरी है वो ये है कि ज़ख्मों पर राख या मट्टी वगैरह नहीं डाली जाए इस तरह ज़ख्मों में इन्फेक्शन हो जाता है अगर खुले ज़ख्मों के इलाज में तखीर की जाए तो उन पर टाँके नहीं लगाए जा सकते और ऐसे ज़ख्मों को आहिस्ता आहिस्ता भरने दिया जाता है और उन पर रोज़ाना पट्टी की जाती है एक और ख़ास एहतियात जो खुले ज़ख्मों के इलाज के सिलसिले में ज़रूरी है वो तशन्त से बचाव का टीका है ज़ख्मों की दीगर अकसाम में आची असला और खंजर के गहरे ज़ख़म शामिल हैं ऐसे ज़ख्मों में मरीज़ के जिसम के मुख्तलिफ़ अ को ज़्यादा नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है और ऐसे मरीजों को फौरी तौर पर हस्पता ले जाना ज़रूरी है ज़ख़म और घाव से मतलब फ़र्क हालात व वाक़ात और ऐसी सूरत हाल में किस तरह मुश्किल पर काबू पाया जाए ये सब कुछ हमें बाहिर ने बताया बाउलापन भी एक ख़तरनाक बीमारी है क्यों और कैसे लाक होती है इसकी कई सूरतें हो सकती हैं बास बहुत ही मामूली और बास बहुत ही ख़तरनाक अपने माहौल में रहते हुए रोजमर्रा के मामल में हम ऐसी मुश्किल से दो चार ना हों जी हर एक की कोशिश होती है दुआ भी करें कि अल्लाह हमें ऐसे हादसा से बचाए बहरहाल हाल ज़िंदगी तो हादसा से भरी पड़ी है तो हमारे इस प्रोग्राम के आखिर में जेर बहस मौजू है बावलापन बावलापन या रेबिस की बीमारी कुत्ते के काटने से शुरू होती है दरअसल बावले कुत्ते के लवाब में एक जरासीम होता है जिसे वायरस कहते हैं काटते वक्त कुत्ता ये वायरस मरीज़ के जिस्म में दाखिल कर देता है ऐसी बीमारी में मुबला मरीज़ को पानी पीने या देखने से गर्दन में झटके पड़ते हैं और वो थूकने और काटने लग जाता है अक्सर बेहोश भी हो जाता है जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हैं कि रगों से दिमाग तक वायरस का असर आठ या दस दिन के बाद ज़ाहिर होता है मरीज़ को बुखार हो जाता है और वो ज़ख्म में दर्द महसूस करता है वायरस का असर शदीद हो जाता है और मरीज़ पानी पीने से भी कासिर होता है फ़र्ज़ कीजिए इस शख्स को बावले कुत्ते ने काट लिया है अब हम आपको हस्पताल जाने से पहले तरबियत याफ़्ता फ़र्स्ट एडर से इसका इलाज करते हुए दिखाते हैं फर्स्ट एडर ने सबसे पहले जख्म को लकड़ी या शीशे के टुकड़े या मट्टी वग़ैरह को अच्छे तरीके से निकाला जा सके ये देखिए तमाम छोटे छोटे ज़रात निकाले जा रहे हैं अब वो मरीज़ के ज़ख्म को साफ पट्टी और पानी से धो रहे हैं ये पानी लिया और ये साफ़ कर लिया अब साबुन के साथ मल रहे हैं और बाद में एक और कपड़े से वो जख्म को मज़ीद साफ कर रही हैं ताकि वो ज़रात जो बाकी रह गए हैं वो भी साबुन की झाग के साथ निकल जाएं अब उन्होंने अच्छी तरह से सारी टांग साफ़ कर ली टांग को साफ करने के बाद उन्होंने मरीज़ को आराम से लिटाकर उसके ज़ख़म को पट्टी से ढाम दिया यूँ पट्टी खोली और ज़ख्म पर रख दी ताकि इसे मक्खी या मट्टी वग़ैरह के असरात से बचाया जा सके अगर फ़ौरी तौर पर तबी इमदाद दी जाए तो पागल जानवरों के अलावा सांप और बिच्छू का काटना भी इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है माहिर इस बारे में क्या फरमाते हैं आइए मालूम करते हैं आज हम आपसे सांप के काटने के बारे में गुफ्तु करेंगे सांप हमारे मुल्क में अमूमन गर्मी के मौसम में बाहर आते हैं और ये खेतों में पहाड़ों में और ख़ासकर वो फसलें जो कि काटी जाती हैं उनमें पाए जाते हैं सांप की बड़ी किस्में हैं हमारे मुल्क में जो कि जहरीले सांप हैं उनमें कोबरा और एडर ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं दरअसल होता यूँ है कि सांप के, के मुंह के अंदर एक गुथली होती है जिसके अंदर ये जहर जमा कर लेता है और फिर फैंक्स से जो कि सामने के दो दांत होते हैं वो इंजेक्शन की तरह मरीज़ के अंदर अपना जहर धकेल देता है जब कोई शख्स सांप से काटा जाता है तो चूँकि हमारे माशरे में सांप के काटने की एक दहशत फैली हुई है तो अमूमन जो पहले असरात होते हैं वो दहशत की वजह से नमदार होते हैं यानी कई मरीज़ बेहोश भी हो सकते हैं दरअसल बात यह है कि जो जहर होता है ये दो किस्म का है एक जहर वो होता है जो कि खून को पतला कर देता है और खून के पतला होने की सूरत से जिसम के काफ़ी हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाता है जिसका रोकना महाल हो जाता है यानी कान से नाक से मुंह से पेशाब और पखाने से ये खून मतवातर काफ़ी मकदार में बहना शुरू हो जाता है ये खून पतला करने वाला जहर होता है जो कि आम उन सांपों में पाए जाते हैं जिन्हें के एडर कहते हैं अगर ये खून दिमाग के अंदर फट जाए तो फ़ौर मौत भी लाक हो सकती है दूसरे किस्म का जहर वो है जो कि असाबी कमज़ोरी कर देता है और इस असाबी कमज़ोरी से जिसम के अंदर जिस तरह के फालिज होता है इस किस्म के असरा ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं यानी मरीज़ की खाने के पट्टे सांस लेने के पट्टे चलने के पट्टे इस हद तक असरानंदाज हो जाते हैं कि खाना पीना और सांस लेना महाल हो जाता है और इससे भी मौत वाक़ हो सकती है अब हम आपको एक मिसाल देते हैं फर्ज किया है इस बच्चे को बदकिस्मती से सांप ने काट लिया है तो इस सूरत हाल के अंदर आपने क्या करना है जैसे कि पहले बतला चुके हैं सबसे ज़्यादा बच्चे के ऊपर सांप के काटने की दहशत होगी और साथ ही साथ जहाँ पर के सामने काटा है वो उस जगह के ज़ख़म का इलाज करना होगा अब ये सारी सूरत हाल हस्पता ले जाने से पहले हम आपको फ़र्स्ट एडर की मदद से बतलाते हैं ये जो निशानात आपको बतलाए जा रहे हैं ये फैंक्स के हैं या उन दांतों के हैं जिनके ज़रिए के जहरीला मादा इस बच्चे के अंदर धकेला गया है अब इन फैंक से तकरीबन चार या छः इंच के फासले पर दिल की तरफ मजबूती से एक रस्सी को बांध देना है ताकि ये जहर बहुत ही आस्ता तरीके से खून में गर्दिश करे वरना ये जहर जल्दी से दिल को पहुंच जाती है और अपने असरा ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं अब ये रस्सी बांधने के बाद मरीज़ को आराम से लिटा दें और तसली दें अब रस्सी को हर वक़्त मजबूती से बांधे नहीं रखना अस्पताल जाते वक्त रस्ते में गाय ब गाये थोड़े वक्फ़े के बाद इस रस्सी को ढीला करना है ताकि ख़ून का निज़ाम मुकम्मल तरीके से बंद न हो जाए अज़ीज़ तालबात नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने जिन मौजुआत पर बातचीत की वो थे जलना और झुलसना केमिकल बर्न गर्मी और लू के असरात, ज़ख़्म और घाव बावलापन और जहरीले जानवरों के काटने से पैदा होने वाले असरातलिबात हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपकी किताब नंबर एक के यूनिट चार पाँच और छः की वजाहत हो गई होगी आप इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़